महाविद्यालय कांडा में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। छात्र संघ चुनाव में 80% मतदान हुआ। अध्यक्ष पद पर लक्ष्मी भंडारी निर्वाचित हुई। उपाध्यक्ष पद पर रोहित प्रसाद एवं उपाध्यक्ष छात्रा पर सोनी निर्विरोध निर्वाचित हुई। सचिव पद पर साक्षी शाह को सर्वाधिक 67% मत प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव हिमांशु कुमार बने। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर जीवंती और सांस्कृतिक सचिव के पद पर रंजना जोशी, साथ ही संकाय प्रतिनिधि के पद पर रेखा निर्विरोध निर्वाचित हुई। कोषाध्यक्ष शिवानी धपोला ने भी विजय हासिल की। मैं साक्षी शाह सचिव पद के लिए नियुक्त हुई हूँ, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। धन्यवाद। आप सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया है। मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं महाविद्यालय के लिए जो भी कार्य हो सकेगा मैं सारे कार्य पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राजकीय महाविद्यालय कांडा में छात्र संघ चुनाव 2022-23 बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। छात्र छात्राओं ने अनुशासन में रहकर मेरी सारी उम्मीदों को पूरा किया है और मैं सभी उन बच्चों को बधाई देती हूँ जो इस महाविद्यालय के पॉजिटिव ले जाने के लिए काम करेंगे। और छात्र संघ ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम सब मिलकर महाविद्यालय की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। और पुलिस प्रशासन, हमारे तहसील से आए श्री भाकुनी जी, श्री त्रिवा जी ने बहुत सहयोग किया और उनके रहने से कहीं भी हमें कोई भी परेशानी का आज सामना नहीं करना हुआ है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज राजकीय महाविद्यालय कांडा में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया जिसमें सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया गया है और ज़्यादातर छात्राओं का पूरी तरीके से पूरा सहयोग रहा, चाहे वोटिंग के मामले में हो, चाहे वोटिंग के बाद मतगणना के समय हो, चाहे मतगणना के बाद में हो। उसके साथ साथ मैं पुलिस प्रशासन और पुलिस का और उसके साथ साथ प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारी पूरी महाविद्यालय की टीम, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे वो अध्यापक हों। आज दिनांक 24/12/2022 को कांडा महाविद्यालय परिसर में छात्र संघ निर्वाचन 2022 का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ जिसमें अध्यक्ष पद के लिए लक्ष्मी भंडारी, उपाध्यक्ष रोहित कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव गीता धपोला और अन्य सभी सदस्यों का निर्वाचन सकुशल संपन्न हुआ। विशेष तौर पर इस निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मेरे द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का यहाँ पे वो डिप्लॉयमेंट किया गया था। CCN न्यूज के लिए कांडा से पंकज दसीला की रिपोर्ट।